दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान सरकार के साथ बातचीत करने को राजी हो गए हैं। शनिवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में यह तय किया गया है कि प्रदर्शनकारी किसान 29 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक तय तारीख को सुबह 11 बजे होगी। किसानों की तरफ से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि बैठक में MSP की गारंटी दिए जाने की बात हो और सरकार बिजली बिल, पराली समेत अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार करे। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। कृषि कानूनों पर बढ़े बवाल के कारण NDA से उसका एक और साथी झिटक गया है। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदर्शनकारी किसानों का साथ देते हुए NDA से नाता तोड़ने का ऐलान किया। बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं और 2019 के चुनाव से पहले वो NDA में शामिल हुए थे। शिरोमणि अकाली दल के बाद किसान आंदोलन के मसले पर NDA का साथ छोड़ने वाला RLP दूसरा दल है। बेनीवाल बीते कई दिनों से बगावती रुख अपनाए हुए थे और लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक तरफ तो मोदी सरकार को घेरा और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी पर तंज कस दिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि PM मोदी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के किसान तो भोले भाले हैं और कांग्रेस के लोग भी सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाग जाएं और इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ये खतरनाक कानून है और ये मोदी जो है इस देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है और इसीलिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान उसका विरोध कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान भोले भाले बेचारे सीधे किया और कांग्रेस भी सो रहा है। जागो, उठो, पदयात्रा में शामिल हो। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना की लॉन्चिंग के दौरान PM मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर इशारों में हमला बोला। PM ने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें मुझे लोकतंत्र पर लेक्चर दे रही हैं, लेकिन उनका दोहरा रवैया और खोखलापन देखिए, आप हैरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी जहां सरकार है वहां स्थानीय निकाय चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। PM मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के एक साल के भीतर ही पंचायत स्तर के चुनाव आयोजित हो गए। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। असम को विकास दे सकते हैं क्या? असम के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं क्या? पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी आने वाले विधानसभा चुनाव के तहत सियासी दौरे का दौर शुरू हो गया है। दो दिवसीय दौरे पर असम गए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहाँ रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य के हथियार उठाने वाले युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने का श्रेय अपनी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक वक्त ऐसा था जब सैकड़ों युवा मारे गए, असम की शांति भंग हो गई और विकास रुक गया। वहीं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर करके मोदी सरकार ने असम में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर TMC और BJP के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। हाल ही में TMC छोड़ BJP में शामिल हुए कई नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को ऐसा ही कुछ TMC के बागी सांसद सुनील मंडल के साथ भी हुआ। एक कार्यक्रम में शामिल होने जब मंडल कोलकाता के BJP ऑफिस पहुंचे, तो दफ्तर के बाहर TMC कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। हालांकि यह हंगामा कुछ ही देर में खत्म हो गया, लेकिन इस दौरान पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि सुनील मंडल 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए थे। देश भर में लव जिहाद के खिलाफ मची बहस के बीच मध्य प्रदेश में सोमवार को लव जिहाद विरोधी विधेयक यानी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा, जिसके बाद धर्म परिवर्तन मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद दोषी पाए गए व्यक्ति को 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी भी शून्य मानी जाएगी। इसके अलावा 50,000 रुपए बतौर जुर्माना भी भरना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा में कोरोना विस्फोट हुआ है। विधानसभा के 77 से 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब विधानसभा सत्र पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। माना जा रहा है कि सत्र की कार्यवाही को 3 दिन से घटाकर 1 दिन किया जा सकता है। दरअसल शीतकालीन सत्र को देखते हुए सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकल चुके हैं। इसमें काफी संख्या विधायक विश्राम गृह के कर्मचारियों की भी है, जहां विधायक या उनके साथ जाने वाला स्टाफ रुकता है। अब विधानसभा सचिवालय इन सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। ये सभी कर्मचारी लगातार काम पर आ रहे थे। इनमें कुछ को सामान्य सर्दी खांसी और कुछ को कोई भी लक्षण नहीं थे। ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया भर के लोगों को डरा रहा है। अब हाल ही में वहां से केरल लौटे 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुणे में सैंपल की जांच से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पॉजिटिव पाए गए इन लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तो नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अब आसमानों से जानवरों का दीदार कीजिए। शुक्रवार से बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत हुई है। सैलानी हॉट एयर बलून में बैठकर बाघ, चीता और दूसरे जानवरों को देख सकेंगे। मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सूरज डूबने के बाद भी बफर एरिया में सफारी की सुविधा मिल सकेगी। ये अपनी तरह की भारत में पहली सुविधा है। ऐसी सुविधा की शुरुआत कान्हा पेंच और पन्ना रिजर्व में जल्द शुरू होगी।